गुड मॉर्निंग क्लास। हम आपको चैप्टर 4 एनिमल किंगडम पढ़ा रहे थे, ठीक है। उसमें हमने कई फाइलम आपको बता दिए हैं, कई सारे संघ हम बता चुके हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने आपको आर्थ्रोपोडा बताया था, इसके पहले हमने मोलस्का, पोरीफेरा, एस्केहेलमिंथीज, प्लेटीहेलमिंथीज, पोरीफेरा, ये सारी चीज़ें हम बता चुके हैं, ठीक है। आज हमारा नया टॉपिक है फाइलम इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। जो संघ है इकाइनोडर्मेटा वो होता क्या है, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा के बारे में आज हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके पहले हम आर्थ्रोपोडा के बारे में आपको बता दें, जो कि हमने लास्ट क्लास में बताया था आर्थ्रोपोडा में क्या था, जिसमें दो जोड़ी या दो से अधिक जोड़ी फुट पाए जाते हैं, पैर पाए जाते हैं, वो आर्थ्रोपोडा से संबंधित जो जंतु हैं वो होते हैं, ठीक है, एनिमल्स होते हैं, ठीक। जैसे इसके अंतर्गत हमारे जो मच्छर हैं, मक्खी, स्पाइडर जो होती है, ठीक है, कनखजूरा जो होता है, ठीक, ये सारी चीज़ें, या कॉकरोच होता है, तो ये सारी चीज़ें उसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है। इसमें क्या है, ओपन टाइप सर्कुलेशन पाया जाता था, ठीक है, और ये टेरिस्ट्रियल भी होते थे, कुछ होते थे जो वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे आर्थ्रोपोडा से संबंधित थे। आज हम आपको डिस्कस कर रहे हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा कैसे शुरुआत हुई, इकाइनोडर्मेटा इसका नाम कैसे पड़ा, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम आपको आज करते हैं, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा में इकाइनोस, काइनोस का मतलब क्या होता है, स्पाइन्स, ठीक है, क्या होता है, स्पाइन, स्पाइन मतलब क्या होता है, कांटे, ठीक है। मतलब जो इनका शरीर है वो कैसा है, इस संघ के जंतुओं का, जितने भी एनिमल्स आते हैं इसमें, उन सब के शरीर में स्पाइन्स या कांटे उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो इकाइनो किससे पड़ा, स्पाइन्स, ठीक है, क्योंकि ये इसमें कांटे पाए जाते हैं, ठीक। और डर्मा मींस क्या होता है, डर्मा मींस हमारी होती है स्किन, ठीक है, डर्मा इक्वल टू क्या होता है, स्किन, मींस ऐसी स्किन जिसमें स्पाइन्स पाए जाते हैं, वो इकाइनोडर्मेटा से संबंधित जीव या एनिमल्स कहलाते हैं, ठीक है, ये हमारा इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। अब इसमें हम आ जाए जनरल कैरेक्टर्स में, तो इसकी लगभग जो स्पीसीज, ठीक है, स्पीसीज लगभग जो लिविंग स्पीसीज है वो 6000, ठीक है, जो लिविंग स्पीसीज है, लिविंग स्पीसीज जो है वो कितनी है, लगभग 6000 स्पीसीज की ज्ञात है, ठीक है। और ये अधिकतर क्या होते हैं, मैराइन वाटर होते हैं, मीन समुद्रों में ही, अधिकतर समुद्रों में पाए जाते हैं, जैसे स्टार फिश है, ठीक है, स्टार फिश को एस्टेरियास भी कहा जाता है, ठीक है। तो स्पीसी जो स्टार फिश है वो कहाँ पाई जाती है, समुद्र में पाई जाती है ना, ठीक है। तो ऐसी स्किन जिसमें कांटे के समान संरचना पाई जाती है, ऐसे जंतुओं को किसमें रखा गया है, इकाइनोडर्मेटा फाइलम में रखा गया है, ठीक है। इसकी लगभग 6000 लिविंग स्पीसीज, जीवित जातियां ज्ञात हैं, ठीक है। ये अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं, समुद्रों में पाए जाते हैं, या मोस्टली ये कह दें कि अधिकतर बहुत सारे जंतु जो हैं वो केवल समुद्रों से ही रिलेटेड होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा जनरल कैरेक्टर्स आता है, जनरल कैरेक्टर्स में, जनरल कैरेक्टर्स आपको हमने हर एक फाइलम में बताया है कि जनरल कैरेक्टर्स में क्या क्या होता है, इसमें समृद्धि कैसे होती है ना, ये द्विस्तरीय होते हैं या त्रिस्तरीय होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें बताते हैं, ठीक है। ये मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं, मोस्टली क्या होते हैं, ये मराइन वाटर, मोस्टली मराइन वाटर, ठीक है, सी वाटर में पाए जाते हैं, ठीक। हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन आर्ट्रोपोडा, ठीक है। इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गन का ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम जो होता है वो कैसा होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, ठीक है, क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। हमने आपको पहले भी फाइल में बता चुके हैं, कई बार ये आया है, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक होता क्या है, ठीक है। अगर दो लेयर से मिलकर बनी है तो वो डिप्लोब्लास्टिक होती है, ठीक है, मीन्स केवल एक्टोडर्म और मेसोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ठीक। अगर वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मीन्स तीन स्तर उसके हैं, तो वो क्या होता है, एंडोडर्म, ठीक, एक्टोडर्म और मेसोडर्म,
जो तीन लेयर से मिलकर बनी होती है, ठीक है। जो गाइनोडर्मेटा के जितने भी एनिमल्स हैं वो थ्री लेयर्स होती हैं, उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम होता है वो डिप्लोब्लास्टिक प्रकार का पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसमें जो सीलोम होता है, ठीक है, सीलोम बॉडी होती है इसमें, ठीक है। सीलोम जो होता है वो क्या किस टाइप का होता है, ट्रू सीलोम पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, ट्रू, ठीक है। मीन्स जो सीलोमेटिक स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, ट्रू टाइप होती है, ठीक है, ट्रू पाया जाता है। सीलोम के बारे में भी हम पहले आपको बता चुके हैं कि सीलोम होता क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है जो वैस्कुलर बंडल होता है, एम्ब्रिकल सिस्टम पाया जाता है, दिस है वाटर, ठीक है। इसमें क्या है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम, ठीक, वाटर वैस्कुलर सिस्टम इसमें पाया जाता है, जो कि जिस टाइप में होता है इसको क्या कहते हैं, एम्ब्रिकल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्ब्रुलेटर, ठीक है। जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम है वो इस टाइप का होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या आता है, ऑर्गन जो लोकोमोशन है, ट्यूब फीट और कोरिया, ठीक है। इसमें जो लोकोमोशन की स्ट्रक्चर है, मीन्स वो किस तरीके से वो गति करते हैं, किस तरीके से लोकोमोशन करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, जो लोकोमोशन हमारा होता है इस फाइलम में, लोकोमोशन जो पाया जाता है वो किस टाइप कैसे होता है, ट्यूब फीट, ट्यूब के समान इसकी स्ट्रक्चर होती है, जो कि पैर लाइक स्ट्रक्चर, फीट लाइक स्ट्रक्चर या फुट लाइक स्ट्रक्चर बनी होती है, ठीक है। उसकी उसके उससे होता है, या उसमें क्या पाए जाते हैं, कुछ स्पोडिया पाए जाते हैं, ठीक है, ठीक, जिसके द्वारा ये लोकोमोशन करते हैं या गति करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, नेक्स्ट हमारे पॉइंट में आता है रेस्पिरेशन जो होता है, गिल्स द्वारा होता है इसमें, ठीक है। जो रेस्पिरेशन की क्रिया है या श्वसन जो होता है, रेस्पिरेशन वो कैसे करते हैं, रेस्पिरेशन, ठीक है, बाय गिल्स करते हैं, ठीक है। अधिकतर जीवों में, इकाइनोडर्मेटा के अधिकतर जंतुओं में क्या होता है, जो रेस्पिरेशन होता है बाय गिल्स होता है, या गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है जो इसमें एक्सपिरेटरी सिस्टम होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है, मीन्स जो हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, एक्सक्रेटरी, जो एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है, ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई भी ऑर्गन ऐसा नहीं पाया जाता है इसमें जो एक्सक्रेशन का काम कर सके, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, सर्कुलेटरी जो सिस्टम होता है, सर्कुलेशन कैसे होता है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, ओपन टाइप होता है। सर्कुलेशन हमने बताया है, ठीक है, अगर नलिकाओं या ट्यूब्स के माध्यम से होता है तो वो सर्कुलेटरी क्लोज टाइप होता है, और अगर ऐसे ही कोई भी इसमें नलिकाएं या ट्यूब्स या आर्टरीज या वेन्स नहीं पाई जाती है तो वो ओपन टाइप सिस्टम कहलाता है, ठीक है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक। तो इसमें कैसा होता है, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो पॉइंट में क्या आता है, दीज आर यूनिसेक्सुअल आईटोसिस, ठीक, ये कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, ठीक, कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है, उसकी जो बॉडी वॉल होती है वो सिंगल लेयर बनी होती है, ठीक है, उसकी जो बॉडी वॉल होती है, ठीक, शारीरिक जो भित्ति होती है वो कैसे बनी होती है, सिंगल लेयर होती है, ठीक है, केवल एक लेयर में पाई जाती है, सिंगल लेयर, ठीक है, सिंगल लेयर की बनी होती है, ठीक है, जो कि कैसी होती है, सिलिएटेड होती है, ठीक है, सिलिएटेड पाई जाती है, सिलिएटेड, ठीक। इस जिस तरीके से क्यूटिकल की लेयर होती है, इसी तरीके से जो जंतु है, जंतुओं में क्या होती है, सिलिएटेड लेयर पाई जाती है, जो कि कैसे होती है, सिंगल लेयर होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है, इसमें जो है क्लीवेज रेडियल, इसमें रेडियल सिमेट्री
पाई जाती है जो सिमेट्री होती है, सिमेट्री कौन सी पाई जाती है, सिमेट्री। सिमेट्री के बारे में भी हमने आपको बताया था पूरी तरीके से चैप्टर जब स्टार्ट कराया था, ठीक है। तो इसमें जो सिमेट्री है वो किस प्रकार की है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, ठीक है। रेडियल सिमेट्री मतलब अरीय सममिति, ठीक है। अरीय प्रकार की सममिति इसमें क्या होती है, प्रेजेंट होती है, पाई जाती है, ठीक। तो ये हमारा था क्या, फाइलम इकाइनेटर में इसके जो एग्जांपल हैं, एग्जांपल में सबसे पहले जो हमारा आता है वो क्या है भाई, स्टारफिश। स्टारफिश को हम क्या बोलते हैं, अभी बताया, स्टारफिश को एस्टेरियास भी कहा जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं, एस्टेरियास, ठीक। और इसके जो एग्जांपल है वो इकाइनस होता है, ई सी एच आई एन यू एस, इकाइनस, ठीक है। इस संख्य जो जंतु हैं वो इकाइनस उसको भी कहा जाता है। ओप्यूरा, ठीक है, एप्यूरा, एप्यूरा ये भी एक क्या है, एनिमल का नेम है, ठीक है, एनिमल का नेम है, ठीक। सी कुकुम्बर या कुकुमेरिया कहा जाता है, ठीक है। सी कुकुम्बर जो समुद्री खीरा होता है, सी कुकुम्बर, कुकुम्बर, ठीक, समुद्री खीरा जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसके मेन एग्जांपल है, ठीक है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अब ये डायग्राम देखिए, स्टारफिश का या एस्टेरियास का डायग्राम है, ठीक है। इसमें जो सबसे बीच का मिडिल स्थान पाया जाता है वो क्या कहलाता है, माउथ कहा जाता है, ठीक है। माउथ का काम क्या होता है ये आप लोग को पहले भली बात मालूम होगा, ठीक है। ये हमारे लिए क्या है, माउथ कहलाता है। और ये जो आर्म्स है, ठीक है, ये सब क्या है, ये उनकी आर्म्स है, ठीक है। स्टारफिश की क्या है, भुजाएं हैं, जिसे आर्म्स कहा जाता है। ये एरिया क्या है, ये सारा आर्म्स कहलाता है, ठीक है। इस तरीके से इसमें जो इस तरीके से कांटे के समान इस तरीके से संरचना है, ठीक है, वो क्या कहलाती है, यही कहलाती है स्पाइंस, या जो स्पाइंस होते हैं कांटे होते हैं, ठीक है, इसलिए स्पाइंस कहलाती है। इसी तरीके से पूरे भी पूरे एरिया में ये देखिए फैला हुआ है, सारे इसकी आर्म्स में पाई जाती है, ठीक। उसके बाद भी हमारी जो ये एक लाइन किस तरीके से चलती चली जा रही है पूरी, ठीक है, हर एक में ये बनी हुई है, ठीक। ये क्या कहलाता है, एम्ब्रू लेटरल ग्रूव्स कहलाया जाता है, ठीक है, या खांच जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो एम्ब्रू लेटरल ग्रूव्स कहलाता है। और ये हमारी जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाती है, ट्यूब फीट कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है, ट्यूब फीट, ठीक। ये हमारा क्या है, कोरल। अगर हम इसको ऊपर से सरफेस देखते हैं तो इस तरीके से ये संरचना दिखाई देती है एक एस्टेरियास की या स्टारफिश की, ठीक। तो यहाँ से हमारा ये फाइलम जो इकाइनोडर्मेटा है वो खत्म होता है। हमने क्या बताया इकाइनोडर्मेटा में कि इकाइनोस का मतलब क्या होता है, स्पाइंस, मीन्स जो जिसमें कांटे होते हैं, ठीक। और डर्मस का मतलब क्या होता है, क्या होता है, स्किन, ठीक, मतलब ऐसे स्किन जिसमें स्ट्रक्चर क्या हो, स्पाइंस के साथ जुड़ी हुई हो, वो इकाइनोडर्मेटा से संबंधित जीव होते हैं, ठीक। और इसमें हमने सारी चीज़ें आपको बताई। अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या हो तो हमसे डिस्कस करिएगा, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम। अगर आप हम आपको चैप्टर फर्स्ट भी रिविज़न एक दिन बाद, एक दिन हम छोड़ दें, अल्टरनेट हम कराते रहते हैं, तो अगर बीच में कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या इस चैप्टर से आ रही है, ठीक है, या फर्स्ट चैप्टर जो हम रिविज़न करा चुके हैं, ठीक, उसमें भी कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो हमसे डिस्कस करिए, ठीक है, ताकि हम उसको और अच्छे से बता सकें, ठीक। और आप लोग वीडियो जरूर देखें, ठीक। तो इस ये हमने खत्म किया क्या, फाइलम इकाइनोडर्मेटा, ठीक। इसके अंतर्गत लगभग कितनी लिविंग स्पीसीज मालूम है, लगभग 6000 स्पीसीज जो कि लिविंग इस समय है, जो कि मराइन होती है, मीन सी वाटर में पाई जाती है, ठीक है। अधिकतर इसके जो जीव हैं वो कैसे होते हैं, सी वाटर एनिमल होते हैं, ठीक है। ओके, हैव अ नाइस डे।